देश में कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या जनता फिर बनाएगी मोदी को प्रधानमंत्री, या बीजेपी में ही किसी और को मिलेगा मौका? मोदी का विकल्प कोई विरोधी होगा या फिर बीजेपी में ही कोई है? जी, ये सवाल हर बार गूंजते हैं, इस बार भी गूंज रहे हैं। नई राष्ट्रपति तो मिल गई, यानी हर कुर्सी का विकल्प होता है, फिर मोदी की कुर्सी पर कौन होगा? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे? क्या इस सवाल में कोई दम है? केजरीवाल में क्या पीएम बनने वाला गुण है? ये सवाल अभी थोड़ा जल्दी होगा। ममता बनर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ जाकर क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल पाएंगी, या फिर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या दक्षिण के नेता केसीआर मोदी का विकल्प होंगे? अब तक हमारी रिपोर्ट में एक बड़े नेता का नाम नहीं आया, और वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम आपको बताते हैं मोदी की कुर्सी पर बैठने का सबसे बड़ा दावेदार कौन है। उससे पहले ये जान लीजिए कि हमने आखिर बेवक्त ये सवाल आपसे क्यों पूछ लिया। वो इसलिए क्योंकि एक वक्त के बाद देश यही सवाल पूछेगा। हमने एक रिसर्च की जिसमें आप पता लगा पाएंगे कि मोदी के बाद आखिर कौन। कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है, यूपी से पार्टी खत्म हो गई है, दक्षिण में जनाधार बचा नहीं। ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री बन पाएगी? ऐसे सवाल में दम नहीं है। फिर केजरीवाल और योगी दो ही नाम बचते हैं, और दोनों में कौन ताकतवर है ये जनता बता चुकी है। केजरीवाल की भी ममता बनर्जी की तरह एक दिक्कत है, वो राष्ट्रवाद के पथ पर आने को तैयार अब तक नहीं है, जबकि अगले 10-20 साल तक सियासत में ऐसा माहौल है कि कोई ऐसा नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा जो राष्ट्रवादी होगा। देश के हर राज्य में अगर आप किसी के साथ बहस कीजिए तो लोग आजकल मोदी के साथ योगी का नाम जोड़ देते हैं। योगी के काम करने का तरीका, तुरंत एक्शन लेना, बुलडोजर क्रांति और महिला सुरक्षा के साथ माफियाओं पर कार्रवाई, ये हिट फार्मूला रहा, यानी राशन के साथ शासन भी। अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि आप भी अपनी बहस के दौरान ये जरूर सुन लेंगे कि मोदी के बाद योगी ही आएंगे। फिर विपक्ष कब आएगा? अखिलेश और केजरीवाल जैसे नेता का भविष्य क्या होगा, जिन्हें कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी में कुछ तो ऐसा है जो मोदी में नहीं। योगी और मोदी में ही अंतर निकालें तो पता चलता है योगी जो कमिटमेंट करते हैं उसे हर संभव पूरा करने का मादा रखते हैं। मोदी अपना कमिटमेंट भूल भी जाते हैं या उसे पूरा नहीं कर पाते। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया जिसमें बीजेपी के लोगों से ही पूछा गया था मोदी के बाद पीएम कौन, तो जवाब मिला था शाह। जबकि जनता से यही सवाल पूछा गया तो जवाब मिला योगी। बीजेपी में रहने वाला कोई नेता तो शाह के खिलाफ भूल कर भी नहीं जाएगा। हालांकि जो पीएमओ को करीब से रिपोर्ट करते हैं वो मानते हैं कि मोदी शाह को शायद ही पीएम के तौर पर देखना चाहें। सीएम पद के लिए जब योगी का नाम आया था तब साल 2017 में पीएम मोदी ने काट दिया था, तब आरएसएस को आना पड़ा था। आरएसएस के दबाव के बाद योगी को सीएम की कुर्सी मिली। तब से अब हालात बदल चुके हैं। योगी पहली बार आरएसएस की कृपा से सीएम बने, लेकिन दूसरी बार खुद के दम पर। जनता को अब ऐसा लगता है कि विपक्ष में जो लोग बचे हैं वो तब क्या करेंगे। अगर योगी ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि योगी की कानून व्यवस्था और उनकी संत की छवि से देश में एक लहर तो बन ही रही है। वो लहर अभी थोड़ी कम है, लेकिन बीजेपी में उस लहर की चर्चा जरूर है, खासकर उन नेताओं के बीच जिन्हें लगता है कि पीएम मोदी के बाद उन्हें मौका मिलेगा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दो को ही आरएसएस का मजबूत चेहरा माना जा सकता है, जबकि अमित शाह को मोदी मैन कहा जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में तीन की भूमिका बीजेपी में क्या होगी, यानी मोदी, अमित शाह और योगी, इसकी भी चर्चाएं तेज हैं। नंबर दो की रेस जीतने के लिए योगी को मोदी बनना पड़ेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।